हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो है, ये थोड़ा अलग है अपने टॉपिक से थोड़ा सा। तो इस पर आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, वीडियो को पूरा देख के करना, जो भी आपको करना है, आपको कोई मनाही नहीं होगी दोस्तों। तो ज्वाइनिंग में घोटाला का पर्दाफाश हो गया है, जो भी आपने सुबह वीडियो देखा था कि ज्वाइनिंग में घोटाला हो रहा है। तो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से, मेरा जो चैनल है, स्टार्टिंग से मैं यही बता रहा हूँ कि रेलवे में आपका घोटाला बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। और ALP और टेक्नीशियन की भर्ती मैं खुद आपको 100% प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल ना के बराबर, 0.01% चांस है कि इसमें थोड़ा बहुत घोटाला हुआ हो। बाकी रेलवे की जो भी भर्ती हुई है अब तक इस कार्यकाल में, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ इस कार्यकाल की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, पहले चलती थी नहीं चलती थी उसका मुझे नहीं पता, जब से मैंने एग्जाम दिया है तब से। पर दोस्तों, क्या है कि आपके फेल होने वाले लड़के होते हैं ज़्यादा और आपके पास होने वाले लड़के होते हैं कम। तो अगर मैं पास होने वालों को सपोर्ट करूंगा तो फेल होने वाले ज़्यादा हैं, डिसलाइक ज़्यादा आएंगे, लाइक कम आएंगे। पर लाइक डिसलाइक मैटर नहीं रखता दोस्तों, क्योंकि मैटर रखता है आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। विश्वास करने से पहले, मैं ये नहीं बोलता कि मैं ये जो बोलता हूँ 100% सही है, पर आप विश्वास करने से पहले उसकी जाँच पड़ताल अवश्य कर लें। अगर मैं भी एक वीडियो बनाकर आपको ये बोल दूँ कि घोटाला हुआ है, काफ़ी यूट्यूबरों को देखा है मैंने, काफ़ी को, आज की ही बात नहीं है या इस यूट्यूबर की ही बात नहीं है, काफ़ी को देखा है। स्कैम के ऊपर वीडियो चल रहे हैं, JEE के ऊपर यहाँ पर अभी भी वीडियो बना रहे हैं लोग कि रिजल्ट है वो फेयर नहीं आया है। 15 या 20 लड़के खड़े हो जाते हैं पोस्टर लेके उसके ऊपर कि रिजल्ट है वो सही नहीं आया है, हमें 25% वाला पास चाहिए। तो भैया, 25% वाला पास चाहिए आपको तो फिर रेलवे ने एग्ज़ाम CBT 1 किस लिए किया है? फिर तो 25%, 22 लाख कैंडिडेट अपेयर हुए हैं, उनमें से 25, 30 और 40 का आंकड़ा कर देता है रेलवे, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ आपको 15 लाख+ कैंडिडेट JEE के अंदर CBT 1 क्वालिफाई होंगे, गारंटी के साथ है दोस्तों ये बात। तो ये फिर CBT 1 का क्या फ़ायदा हुआ, फिर तो CBT 2 ही कर देते सीधा ही। तो ये मतलब एक मानसिक है, और नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि आपका 15 गुना, इसीलिए 15 गुना लिए जाएंगे। और आपका अगर 15 गुना नहीं मिलते हैं तो ये कट ऑफ रहेगा, इससे नीचे का तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। अब ये ALP में लागू हुआ, ALP में कैंडिडेट नहीं मिले थे तब यहाँ पर मौका दिया गया था सभी को। और एक आपका इलेक्शन का भी चुनाव था उस टाइम में, मैटर था वो JEE का मैटर है, हम उस मैटर पर नहीं जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं अपने ALP और टेक्नीशियन की। तो क्यों करते हैं लोग ऐसा, आपको बनना समझदार। तो दोस्तों, क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न बहुत है, आपके कारण मैं बहुत बता दूंगा आपको, आप खुद बोलोगे कि सही है। तो नंबर 1, तो आपको यूट्यूबर को ज्ञान नहीं होता है और वो ज्ञान फैलाने लग जाता है जिसको, एक दूसरा आपका यूट्यूबर देखता नहीं है पूरा कि हाँ इस न्यूज़ का मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे का क्या है। इसका पीछे अगर अभी जो बाद में वीडियो बनाकर जो सही करते हैं कि ये नहीं मैंने गलती से बोल दिया था और अब सही है, तो ये बात ये पहले वीडियो बनाने से पहले सोचता ना कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। बाद में इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई लड़का कमेंट करता है कि हाँ ये गलत है ऐसे सही है, तब वो उसका दे के कमेंट सही कर देते हैं। तो मेरा एक ही मैटर है, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ तो पूरी अपनी जो जानकारी सही प्रूफ होती है उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। हाँ, मैंने पीछे एक दो वीडियो ऐसे बना दिया था कि RRB और RRC, तो यही मैटर इस वीडियो में रखा है RRB और RRC का। तो मैंने वीडियो बनाया था चेन्नई के ऊपर, तो RRC चेन्नई के अंडर में त्रिवेंद्रपुरम आता है, तो मैंने RRC चेन्नई नाम लिख दिया था। तो चेन्नई के जोन के जो भी लड़के थे उनका काफ़ी यहाँ पर डिसलाइक देखने को मिले, और मेरे को बोला भी कि आपने चेन्नई नाम क्यों लिखा, तो इसीलिए लिखा था RRC चेन्नई के नीचे दोनों जोन आते हैं वो। पर मैंने फिर उनकी मानी और उसका अपना टाइटल चेंज करके और थंबनेल चेंज करके उनका सही कर दिया था। तो ये भी आपका मैटर ऐसे ही था कि वेस्टर्न रेलवे के अंदर आपके 3 जोन आते हैं, भोपाल का कुछ पार्ट आता है, मुंबई लगभग आती है काफ़ी मुंबई के अंदर, और आपका अहमदाबाद का पार्ट आता है। तो उस टाइम में जिस टाइम में वीडियो बनाया था मैंने आपको बताया था कि आपका वेस्टर्न रेलवे की ज्वाइनिंग है ना कि अहमदाबाद की ज्वाइनिंग है। तो वेस्टर्न रेलवे की अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी लड़के बोलेंगे आप अहमदाबाद का नाम ही ले दो। तो दोस्तों, अपडेट की कोई बात नहीं, अपडेट कोई पहले दे देता है, कोई बाद में दे देता है, कोई सही दे देता है, कोई गलत दे देता है, पर आपको है विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचें कि ये बात सही है या फिर नहीं है। क्योंकि आप अगर एक फेल कैंडिडेट हो तो आप ये बोलोगे सीधा कि ये नहीं सही बात है, धांधली हुई है, तो 100 लड़के और उसके नीचे जुड़ जाएंगे। अगर आप ये बोलोगे नहीं ये गलत बात है तो उसके नीचे कोई भी नहीं जुड़ेगा, ये बात कंफर्म है। पर दोस्तों, जो अपना रास्ता सही है वही रास्ता आपको अपनाना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। मेरा तो स्टार्टिंग से यही रहा है कि जो कंफर्म न्यूज़ है वही कंफर्म न्यूज़ है। हाँ, गलत हो जाती है पर इतनी भी गलती नहीं
इस यूट्यूबर ने जो वीडियो बनाया है ज्वाइनिंग में घोटाला, इसने ग्रुप डी में भी बहुत घोटाले किए थे और इसमें भी बहुत घोटाले किए हैं। इसका काम ही है घोटाले का, इसका घोटाले का काम नहीं है दोस्तों। अब करते क्यों हैं, क्योंकि आपका व्यूज़ बढ़ता है। अब ये सॉरी बोल देगा कि ये गलती से हो गया, तीन जोन के आते हैं ये आपको, और आप मान भी जाओगे। पर दोस्तों उस वीडियो पर आपका 1 घंटे के अंदर आपके 50,000 व्यूज़ आ गए, और इस दूसरे वीडियो पर भी आपके 1 घंटे में 50,000 व्यूज़ आएंगे। तो एक आपके 100K व्यूज़ इसके इंक्रीज हो गए और इसका कुछ नहीं हुआ। ये आपका रहता है मेन रीज़न, और ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूँ कि मैंने इसको 1 महीने पहले ही, ये वीडियो देख सकते हो आप, मैंने 1 महीने पहले ही बनाया था। ALP ज्वाइनिंग आई 37 लड़कों की एक साथ, अब नया जोन नया मंडल। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी जोन का नाम नहीं लिखता हूँ, इसीलिए नहीं लिखता हूँ मैं कि आपका ज्वाइनिंग आती है वो किसी जोन का। तो देख सकते हो 18 दिन पहले ही मैंने वीडियो बना दिया था, और ये वीडियो मैंने सबसे पहले बनाया था, मेरे को खुद को पता है, उसके बाद में इन्होंने सबने बनाया था। और ये यहाँ पर देख ले लो आप, नीचे लड़के का कमेंट भी आया कि एक बार RRB अहमदाबाद की पैनल लिस्ट एंड 33 वाली लिस्ट को मैच करो, कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लिस्ट में नहीं है। इस लड़के ने कमेंट भी कर दिया था 2 वीक पहले, यानी कि 14 दिन पहले। अगर मेरे को वीडियो बनाना होता तो मैं उसी टाइम में वीडियो बना के घोटाला घोषित कर देता। तो आपको ये प्रूफ के साथ मैं बता दिया हूँ। तो आपको मेरे तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे से आप सोच समझ पर किसी पर भी विश्वास करें, बिल्कुल भी फेक नहीं बोलें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यूट्यूबर का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई करियर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, उसका चैनल डिलीट हो जाएगा बस। अब और आप एक कैंडिडेट हो, अगर आप यहाँ पर अफवाह फैलाते हो तो आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो इसी सावधानी के साथ उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे वो आपकी मर्जी है, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।